दोस्तों, आज हम सुनेंगे ख्वाजा अहमद अब्बास की कहानी सरदार जी। इसका अनुवाद किया है शंभू यादव ने। लोग समझते हैं सरदार जी मर गए। नहीं, ये मेरी मौत थी, पुराने मैं की मौत, मेरे तसुब यानि धर्मांधता की मौत, घृणा की मौत जो मेरे दिल में थी। मेरी ये मौत कैसे हुई, ये बताने के लिए मुझे अपने पुराने मुर्दा मैं को जिंदा करना पड़ेगा। मेरा नाम शेख बुरहानुद्दीन है। जब दिल्ली और नई दिल्ली में सांप्रदायिक हत्याओं और लूट मार का बाजार गर्म था और मुसलमानों का खून सस्ता हो गया था, तो मैंने सोचा, वाहरी किस्मत, पड़ोसी भी मिला तो सिख, जो पड़ोसी का फर्ज निभाना या जान बचाना तो क्या जाने, न जाने कृपाण कब झोंक दे। बात यह है कि उस वक्त तक मैं सिखों पर हंसता था, उनसे डरता भी था और काफ़ी नफरत भी करता था। आज से नहीं, बचपन से ही। शायद मैं 6 साल का था जब मैंने पहली बार किसी सिख को देखा था जो धूप में बैठा अपने बालों को कंघी कर रहा था। मैं चिल्ला पड़ा, अरे वो देखो, औरत के मुंह पे कितनी लंबी दाढ़ी। जैसे जैसे उम्र गुजरती गई, मेरी ये हैरानी एक नस्ली नफरत में बदलती गई। डर तो अंग्रेज से भी लगता था और सिख से भी, मगर अंग्रेज से ज्यादा। उदाहरण, जब मैं कोई 10 वर्ष का था तो एक रोज दिल्ली से अलीगढ़ जा रहा था। हमेशा थर्ड या इंटर में सफर करता था। सोचा कि अब की बार सेकंड क्लास में सफर करके देखते हैं। टिकट खरीद लिया और एक खाली डिब्बे में बैठकर गद्दों पर खूब कूदा। बाथरूम के आईने में उचक उचक कर अपना प्रतिबिंब देखा। सब पंखों को एक साथ चला दिया, रोशनियों को कभी जलाया कभी बुझाया, मगर अभी गाड़ी चलने में 2-3 मिनट बाकी थे कि लाल लाल मुंह वाले 4 फौजी गोरे आपस में डेम ब्लडी किस्म की बातें करते हुए दर्जी में घुस आए। उनको देखना था कि सेकंड क्लास में सफर करने का मेरा शौक रफू चक्कर हो गया और अपना सूटकेस घसीटता हुआ मैं भागा और एक अत्यंत खचाखच भरे हुए 3rd क्लास के डिब्बे में आकर दम लिया। यहाँ देखा तो कई सिख दाढ़ियां खोले कच्छे पहने बैठे थे, मगर मैं उनसे डरकर दर्जा छोड़कर भागा नहीं, सिर्फ उनसे जरा फासले पर बैठ गया। हाँ, तो डर सिखों से भी लगता था मगर अंग्रेजों से ज्यादा लगता था। मगर अंग्रेज अंग्रेज थे, वो कोट पतलून पहनते थे जो मैं भी पहनना चाहता था, वे डैम ब्लडी फूल वाली जबान बोलते थे जो मैं भी सीखना चाहता था। इसके अलावा वे हाकिम थे और मैं भी कोई छोटा मोटा हाकिम बनना चाहता था। वे छुरी कांटे से खाते थे, मैं भी छुरी कांटे से भोजन करना चाहता था ताकि दुनिया मुझे सुसंस्कृत समझे। उन दिनों मुझे काल और ऐतिहासिक सच्चाइयों की समझ नहीं थी, मन में मात्र एक अस्पष्ट सा भाव था, एक विचित्र सी घृणा और धर्मांधता थी। डर अंग्रेजों से भी लगता था मगर सिखों का डर अलग था। मगर सिखों से जो डर लगता था उसमें नफरत खुल मिल गई थी। कितने अजीबोगरीब थे ये सिख, जो मर्द होकर भी सिर के बाल औरतों की तरह लंबे लंबे रखते थे। ये और बात है कि अंग्रेज फैशन की नकल के लिए सिर के बाल मुंडाना मुझे जरा भी पसंद नहीं था। अब्बा के इस हुक्म के बावजूद कि हर जुम्मे को सिर के बाल खशखशी कराए जाएं, मैंने बाल खूब बढ़ा रखे थे ताकि हॉकी और फुटबॉल खेलते वक्त बाल हवा में उड़ें जैसे अंग्रेज खिलाड़ियों के। अब्बा कहते, ये क्या औरतों की तरह पट्टे बढ़ाए रखते हैं। मगर अब्बा तो थे ही पुराने विचारों के, उनकी बात कौन सुनता था। उनका बस चलता तो सिर पर उस तरह चलवाकर बचपन में ही हमारे चेहरों पर दाढ़ियां बंधवा देते। हाँ, इस पर याद आया कि सिखों के अजीब होने की दूसरी निशानी उनकी दाढ़ियां थी। और फिर दाढ़ी दाढ़ी में भी तो फर्क होता है। मसलन अब्बा की दाढ़ी, जिसे बड़े ढंग से नाई फ्रेंच कट बनाया करता था, या ताऊजी की दाढ़ी जो नुकीली और चोंचदार थी, मगर वो अभी क्या दाढ़ी हुई जिसे कभी कैंची ही न लगे और झाड़ झंगाड़ की तरह बढ़ती ही जाए, उल्टा तेल दही और जाने क्या क्या मलकर बढ़ाई जाए और जब खूब लंबी हो जाए तो उसमें कंघी की जाए जैसे औरतें सिर के बालों में करती हैं। औरतों या फिर मेरे जैसे स्कूल के फैशन परस्त लड़के। इसके अलावा मेरे दादा हुजूर की दाढ़ी भी लंबी थी और वह भी उसमें कंघी करते थे, लेकिन उनकी तो बात ही कुछ और थी। आखिर वो मेरे दादा जान ठहरे और सिख तो सिख थे। मैट्रिक पास करने के बाद मुझे पढ़ने लिखने के लिए मुस्लिम विश्वविद्यालय भेजा गया। कॉलेज में जो पंजाबी लड़के पढ़ते थे उन्हें हम दिल्ली और उत्तर प्रदेश वाले मूर्ख गंवार तथा उजड्ड समझते थे। न बात करने का सलीका, न खाने पीने की तमीज़,
तहजीब तो छू तक नहीं गई थी उन्हें। ये बड़े बड़े लस्सी के गिलास छकने वाले भला क्या जाने केवड़ेदार फालूदे और लिप्टन की चाय का आनंद। जबान बड़ी बेहुदा, बात करें तो लगे लठ मार रहे हैं। असी तुसी साडे तुहाडे लाहौल विला कुवत। मैं तो उन पंजाबियों से सदा कतराता रहता था, मगर खुदा भला करे हमारे वार्डन का कि उन्होंने एक पंजाबी को मेरे कमरे में जगह दे दी। मैंने सोचा चलो जब साथ ही रहना है तो थोड़ी बहुत दोस्ती कर ली जाए। कुछ ही दिनों में हमारी गाढ़ी छनने लगी। उसका नाम गुलाम रसूल था, रावलपिंडी का रहने वाला था। काफी मजेदार आदमी था, लतीफे खूब सुनाता था। आप कहेंगे बात चल रही थी सरदार जी की, ये गुलाम रसूल कहाँ से आ टपका, मगर दरअसल उसका इस किस्से से गहरा नाता है। बात यह है कि वो जो लतीफे सुनाता था वे प्रायः सिखों के बारे में होते थे, जिनको सुन सुनकर मुझे पूरी सिख कौम की आदतों, उनके नस्ली गुणों और सामूहिक चरित्र का पूरी तरह ज्ञान हो गया था। गुलाम रसूल का कहना था कि तमाम सिख बेवकूफ़ और बुद्धू होते हैं, 12 बजे तो उनकी अक्ल बिल्कुल ही खप्त हो जाती है, और वो कई चुटकुले इस बारे में सुनाया करता था। सिख न केवल बेवकूफ़ और बुद्धू थे बल्कि गंदे भी थे, जिसका एक सबूत गुलाम रसूल ये देता था कि वे बाल नहीं मुंडवाते थे। इसके विपरीत हम साफ सुथरे गाजी मुसलमान हैं जो हर आठवारे जुमे के जुमे गुसल करते हैं। सिख लोग तो कच्चा पहन के सब के सामने नल के नीचे बैठकर नहाते रोज हैं, लेकिन बालों और दाढ़ी में न जाने कैसी गंदी और गलीज चीजें मलते रहते हैं। वैसे भी मैं सिर पर एक हद तक गाढ़े दूध जैसी लेमन जूस ग्लिसरिन लगाता हूँ, लेकिन वो विलायत के मशहूर सुगंधी कारखाने से आती है। मगर दही सर पर, वो भी किसी गंदे सादे हलवाई की दुकान से। खैर जी, हमें दूसरों के रहन सहन वगैरह से क्या लेना, पर सिखों का एक बड़ा दोष ये था कि उनमें अखड़ता, बदतमीजी और मारधाड़ में मुसलमानों का मुकाबला करने का हौसला था। अब देखो ना, दुनिया चाहती है कि एक अकेला मुसलमान 10 हिंदुओं या सिखों पर भारी पड़े, फिर ये सिख क्यों मुसलमानों का रौब नहीं मानते? कृपाण लटकाए अकड़ अकड़ कर मूछों पर बल्कि दाढ़ी पर भी ताव देते हुए चलते हैं। गुलाम रसूल कहता है इनकी हेकड़ी एक दिन हम ऐसी निकालेंगे कि खालसा जी याद ही करेंगे। कॉलेज छोड़े कई साल हो गए, विद्यार्थी से मैं पहले क्लर्क बना फिर हेड क्लर्क, अलीगढ़ का छात्रावास छोड़कर नई दिल्ली के एक सरकारी मकान में रहने लगा, शादी हो गई, बच्चे हो गए। उन दिनों एक सरदार जी मेरे पड़ोस में आबाद हुए तो मुद्दतों के बाद सहसा मुझे गुलाम रसूल का कथन याद आ गया। ये सरदार जी रावलपिंडी से तबादला करवा कर आए थे, क्योंकि रावलपिंडी जिला में गुलाम रसूल की भविष्यवाणी के मुताबिक सरदारों की हेकड़ी अच्छी तरह निकाल दी गई थी। गाजियों ने उनका सफाया कर दिया था, बड़े सूरमा बनते थे, कृपाणे लिए फिरते थे, बहादुर मुसलमानों के आगे उनकी एक न चली, उनकी दाढ़ियां मूंड कर उन्हें मुसलमान बनाया गया, जबरदस्ती उनका खतना किया गया। हिंदू अखबार हमेशा की तरह मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लिख रहे थे कि मुसलमानों ने सिख औरतों बच्चों का कत्ल किया है, हालांकि ये कार्य इस्लाम की परंपरा के खिलाफ है। कोई मुसलमान मुहाजिद कभी औरत या बच्चे पर हाथ नहीं उठाता, हो न हो अखबार में औरतों और बच्चों की लाशों के चित्र जो छपे आ रहे हैं वे या तो जाली थे या सिखों ने मुसलमानों को बदनाम करने के वास्ते खुद अपनी औरतों और बच्चों का कत्ल कर दिया होगा। रावलपिंडी और पश्चिम पंजाब के मुसलमानों की असलियत सिर्फ इतनी है कि मुसलमानों की बहादुरी की धाक बैठी है, और अगर नौजवान मुसलमानों पर हिंदू और सिख लड़कियां लट्टू हो जाएं तो उसका क्या कसूर? यदि वे इस्लाम के प्रचार के सिलसिले में इन लड़कियों को अपनी शरण में ले लेते हैं तो क्या दोष? मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ख्वाजा अहमद अब्बास की कहानी सरदार जी, जिसका अनुवाद किया था शंभू यादव जी ने। अभी आपने इसका पहला भाग सुना। अगर आप भाग दो सुनना चाहें तो वीडियो के आखिरी में बने लिंक या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके वहां जा सकते हैं।